टू सॉफ्टवेयर कैंपस चैनल, मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ग्रेट मार्कशीट का प्रोग्राम कैसे बनाया जाए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लास में एक एग्जांपल नेस्टेड एलसीफ का, जो कि ग्रेट मार्कशीट है, ग्रेट मार्कशीट हम लोग नेस्टेड एलसीफ का यूज़ करके मैं बताऊँगा आपको। इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में इंडिपेंडेंट इफ और नेस्टेड इफ के एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, तो आई थिंक आपने वो वीडियो देख लिया होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं नेस्टेड एलसीफ का यूज करके ग्रेट मार्कशीट बनाएं। थ्योरी क्लास में आपको इस प्रोग्राम का, ग्रेट मार्कशीट प्रोग्राम का लॉजिक और प्रोग्राम बताऊंगा कैसे ये प्रोग्राम आप बनाएंगे, और फिर प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले चलिए प्रोग्राम देख लेते हैं कि किसी भी एक स्टूडेंट का मार्क्स ग्रेड निकालना है। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग हर कॉलेज, हर कोर्सेज में BCA MCA वगैरह के प्रोग्राम में निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, और बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। और इस क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करेंगे नेस्टेड एलसीफ का लॉजिक। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट मान लिया है, कभी कभी क्वेश्चन में 5 सब्जेक्ट का भी दे देता है, कभी एरे से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन रहते हैं। तो अभी सिंपल मैंने 3 सब्जेक्ट में ये मान लिया है, आप S1 S2 S3, आप इसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंग्लिश, हिंदी, ये भी आप मान सकते हैं, कोई भी 3 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट। और टी लिया है टोटल निकालने के लिए, पी लिया है परसेंटेज के लिए, इंटर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स हम लोगों ने प्रिंट किया और यहाँ स्कैनर की मदद से S1 S2 S3 में इनपुट कर लिए। टी इक्वल टू S1 + S2 + S3 को जोड़ के हम लोग स्टोर कर लेते हैं, और हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो भी सब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं वो सबका फुल मार्क्स 100 है, तो जो इसकी एवरेज होगी वही इसकी परसेंटेज होगी। तो हम लोग एवरेज निकाल लेंगे तो वो परसेंटेज होगा, है ना, और उसे पी में स्टोर कर लिए, क्योंकि टोटल मार्क्स निकाल के 300 से डिवाइड करके अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ऑलमोस्ट वो टी डिवाइडेड बाई 3 होता है, है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, आप करके देखना, ट्रेस करके आपको ऑलमोस्ट वही रिजल्ट मिलेगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ग्रेडिंग के लिए मैंने ग्रेड ए के लिए 90% से एवर मार्क्स माना है, ग्रेड बी के लिए 80 और 90 के बीच का, ग्रेड सी के लिए 70 और 80 के बीच का, डी के लिए 60 और 70 के बीच का, और ई के लिए 40 और 60 के बीच का, और ग्रेड एफ अगर 40 से कम है तो। तो सबसे पहला ग्रेडिंग ग्रेड ए के लिए हम लोग चेक करेंगे कंडीशन, अगर परसेंटेज 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए प्रिंट करेंगे हम लोग, अगर 90 से ज़्यादा नहीं है तो 90 या 80 के बीच का अगर कोई परसेंटेज है किसी का तो ग्रेड बी प्रिंट करेंगे। तो एलसीफ का मतलब यही होता है, अगर ऊपर वाला कंडीशन काम नहीं करता है तो फिर हम लोग एल्स में कंडीशन लेते हैं, यानी फॉल्स पार्ट में। और इस तरीके से आपको हर ग्रेड का एल्सिफ से ही बनाना पड़ेगा, जैसे अगर ये नहीं हुआ तो ग्रेड सी का कंडीशन जो कि ग्रेटर देन 70 है, और निश्चित तौर पे ये फॉल्स हुआ तो 80 से लेके 70 के बीच का, उसी तरीके से ये। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नेस्टेड एल्सिफ, मतलब बहुत सारा एल्सिफ हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो नेस्टेड एलसीफ का यूज़ करके हम लोग ये परसेंटेज निकाल के और उसके अकॉर्डिंग ग्रेड ए बी सी डी ई, और लास्ट में चूंकि 40 से अगर बड़ा नहीं है, इसका मतलब 40 से छोटा है परसेंटेज, तो वहाँ पे ग्रेड एफ यानी कि फेल प्रिंट हो जाएगा यहाँ। तो आप ये प्रोग्राम नोट कर लीजिए, हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में चलते हैं और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। उससे पहले आप एक आउटपुट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जब भी प्रोग्राम रन कराएं तो आप पहले ग्रेड ए के लिए आपको 90 से एवर मार्क्स देना है, ग्रेड बी के लिए 80 से एवर मार्क्स देना है, और 70 से एवर मार्क्स देना है ग्रेड सी के लिए, और उसी तरीके से 60 से एवर ग्रेड डी के लिए, और ग्रेड ई के लिए आपको 40 से ज़्यादा देना है और 60 से कम। यहाँ पे अगर आप 80 से ज़्यादा दोगे तो वो ग्रेड हो जाए, 80 से 90 के बीच में देना है आपको यहाँ, उसी तरीके से 70 और 80 के बीच में यहाँ, 60 से 70 के बीच में यहाँ पे। तो अलग अलग मैं आपको ये इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकली प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इस तरह का वैल्यू देखें हम लोग चेक करेंगे, हर तरह का ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड ई और ग्रेड एफ के लिए भी हम लोग चेकिंग करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में एक लाइव डेमो देखते हैं हम लोग ग्रेड मार्कशीट का प्रोग्राम कैसे बनाया जाए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और इससे पहले कि हम लोग प्रोग्राम बनाना शुरू करें, मैं अपने न्यू यूजर्स जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस तरह की प्रोग्रामिंग की वीडियो हम लोग हमेशा बनाते हैं C++ और जावा लैंग्वेज में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं
तो वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब हो जाएं और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे कि वो वीडियो अपने आप आपको मिल जाए। साथ में अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो जितने भी यूजर्स व्यूवर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप मुझे कॉमेंट करें, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको उसका रिप्लाई मिले। तो चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास में और रन कराते हैं नेस्टेड एलसीप का यूज़ करके एक प्रोग्राम जो कि ग्रेड मार्कशीट निकालने का प्रोग्राम है। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं नेस्टेड एलसीप का यूज़ करके ग्रेड मार्क्स कैसे निकाला जाए, ग्रेड मार्क्स का प्रोग्राम कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक आपने थ्योरी में इसकी लॉजिक और प्रोग्राम देखा होगा आपने, तो चलिए उस प्रोग्राम को लिख के रन कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे सी प्रोग्राम का होता है उसे हम लोग लिख लें। include studio.h, include new.h, ये दोनों हेडर फाइल बेसिक ज़रूरत है हमारे सी प्रोग्राम का, जैसा कि आप जानते होंगे। और फिर मेन लिखते हैं हम लोग, void main, मेन की बड़ी स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर जाके कोडिंग करते हैं। वेरिएबल की जो रिक्वायरमेंट है वो आपने देखा होगा थ्योरी क्लास में, तीन सब्जेक्ट के मार्क्स आपको लेने हैं मिनिमम, हम लोग तीन मान के चले हैं। आप चाहें तो फाइव पे भी काम कर सकते हैं, इतना सब्जेक्ट आपको लेने की ज़रूरत हो। टी टोटल मार्क्स के लिए और परसेंटेज के लिए पी, CLR SCR का यूज़ करते हैं हम लोग क्लियर आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। आप यहाँ पर यूज़र को मैसेज देना है कि उनको क्या इनपुट कराना है। एक मैसेज आप यहां पे दे दें, इंटर मार्क्स इन थ्री सब्जेक्ट्स। उसके बाद स्कैनएफ का यूज़ करके इनपुट लेना है, तीन इनपुट लेना है हम लोगों को इंटीजर टाइप का मार्क्स के लिए। तो परसेंट डी, जैसा कि आप जानते होंगे, परसेंट डी हम लोग यूज़ करते हैं इंटीजर वैल्यू इनपुट करने के लिए सी में स्कैनएफ फंक्शन के अंदर। यहाँ पे S1, S2, S3 ये तीन इनपुट कर लिए हम लोग। उसके बाद टोटल निकालना है, तो टोटल में मैंने बताया आपको S1 + S2 + S3 करके आपको टोटल निकालना है। टोटल निकालने के बाद आपको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर आप हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स टोटल मान रहे हैं तो आप एवरेज जो निकालेंगे वो परसेंटेज के बराबर होगा। तो आप दोनों फार्मूला यूज़ करके देख सकते हैं, मैं आपको दोनों यूज़ करके बताता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू परसेंटेज हम लोगों को ग्रेडिंग करनी है। तो अगर परसेंटेज 90 से एवव है तो मैसेज प्रिंट करना है हम लोगों को ग्रेड ए में, देखा होगा इसको। ठीक है, अगर ग्रेड ए नहीं होता है तो हम लोगों को क्या करना है, एल्स में इफ लेना है। तो एल्स इफ साथ में भी लेते हैं और इसमें कंडीशन देना है ग्रेटर देन 80। ठीक है, इसमें आपको प्रिंट करना है ग्रेड बी। इसी तरीके से ग्रेड बी, ग्रेड सी सबकी आप कोडिंग कर सकते हैं, बस आपको एल्स इफ लगाते जाना है। अभी देखिए मैं करूँगा, मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, 80 के जगह पे 70 यूज़ करना है। 70 के केस में हम लोगों को ग्रेड सी प्रिंट करना है, बस इतना सा चेंज करते जाना है हम लोगों को। और एक बार फिर मैंने पेस्ट किया है यहाँ पे, अब 70 के जगह पे आपको यूज़ करना है 60 और ग्रेड प्रिंट होगा डी।
60 के बाद आपको यूज़ करना है 40 का, जो थ्योरी में मैंने आपको प्रोग्राम बताया है उस लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। और लास्ट में अगर 40 से भी छोटा वैल्यू आ रहा है तो उसके लिए हम लोगों को प्रिंट करना है एल्स में, में जो ग्रेड प्रिंट होगा यहाँ पे लास्ट में वो होगा ग्रेड एफ यानी फेल। इस तरीके से प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, इसे रन करा के देख लेते हैं। 90, 93 और 94, देखिए यहाँ पे ग्रेड ए प्रिंट हो रहा है हमारा। अब दूसरी बार प्रोग्राम को आप अब यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो 3 से, मैंने बताया आपको थ्योरी क्लास में, उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो क्योंकि दोनों बात एक ही है। आप इसे भी चेक करके देख लो, 90, 93 और 94, कोई भी वैल्यू डालना है आपको, 90 से ज़्यादा आना चाहिए। तो ग्रेड ए प्रिंट हो रहा है। अब ग्रेड बी के लिए हम लोगों को 80 से प्लस मार्क्स देने हैं। तो पहला वैल्यू मैंने दिया 80, दूसरे सब्जेक्ट में मैंने दिया 83 और तीसरे सब्जेक्ट में मैं दे रहा हूँ 84। ग्रेड बी प्रिंट हो रहा है। ग्रेड सी के लिए आपको 70 प्लस मार्क्स देने हैं, तो 70, 73 और आप मार्क्स डालो, ग्रेड सी प्रिंट हो रहा है। ग्रेड डी के लिए हम लोगों को 60 प्लस मार्क्स देने हैं, तो 60, 63 और 64 मार्क्स आप इंटर करो, तो आपको ग्रेड डी प्रिंट होगा। ये प्रोग्राम की लॉजिक सही सही काम कर रही है। अगर आपको ग्रेड ई प्रिंट कराना है तो ग्रेड ई के लिए 40 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तो 43, 44, 40 ये मार्क्स हम लोग डालते हैं, तो ग्रेड ई हमारा प्रिंट होगा। और ग्रेड एफ के लिए आपको 40 से भी नीचे डालना है वैल्यू, तो 30, 33 और आपको 34 भी आप डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो 40 से नीचे हो, तो जब आप डालेंगे तो ग्रेड एफ प्रिंट होगा। तो आपने देखा कैसे हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है और नेस्टेड एल्स इफ का यूज़ हम लोगों ने इस प्रोग्राम में किया है, जो आपके सामने मैंने प्रोग्राम बनाया है। तो आई थिंक ये प्रोग्राम और नेस्टेड एल्स इफ का जो लॉजिक है वो आपने समझा होगा। तो आप दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉमेंट करना, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और दूसरे को भी शेयर करके बताएं और कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं बार बार बताता हूँ कि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। कीप प्रैक्टिस, कीप प्रोग्रामिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।